नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बेहतरीन सर्च इंजन के बारे में। आप लोगों ने गूगल याहू के बारे में सुना होगा। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है डग डग गो। ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों, प्राइवेसी के तौर पर अगर देखा जाए तो। ये आप ऊपर देख सकते हैं, लिखा आ रहा है डग डग गो प्राइवेसी ब्राउज़र। जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है प्राइवेसी ब्राउज़र। ये करता क्या है? ये जो है आपकी प्राइवेसी को बनाकर रखता है। इसका कमर्शियल यूज़ नहीं करता है। कहीं भी आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं, 5 में से 4.8 रेटिंग इसको दी जा चुकी है। 10 मिलियन प्लस से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, ये 25 सितंबर 2008 को आया था। इसके फाउंडर थे गैब्रियल विनबर्ग। इन्होंने जो डग डग गो नाम आप देख रहे हैं, ये कार्टून चैनल था, उसके ऊपर इसका नाम जो है रखा गया था। दोस्तों 2011 में इस कंपनी को अमेरिका की जो एक कंपनी है उसने फंडिंग दी। इसके बाद से इसका सफ़र की शुरुआत हुई। अभी सबसे ज़्यादा फेमस ये इसलिए है क्योंकि 2014 में एप्पल ने, 2014 में ही मोज़िला फायरफॉक्स ने, और 2019 में जाकर सभी यूरोपियन देशों की मोबाइल फ़ोन में जो है डग डग गो को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाया गया है। क्या है ये एप्लीकेशन, देखिए। प्राइवेसी सिंप्लीफाइड, आपके जो सर्च हैं एनोनिमसली ब्राउज प्राइवेटली, स्मार्टर इनक्रिप्टेड, पूरी तरीके से इनक्रिप्टेड रहते हैं। ऑटोमेटिकली ज़्यादातर प्रयास करते हैं यूज़ करने का HTTPS का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जब भी पॉसिबल हो। ब्लॉक करते हैं ट्रैकर्स को, जब आप देखते होंगे आप कोई वेबसाइट का यूज़ करते हैं या वहाँ पर काफ़ी सारे एड ब्रेक्स आते हैं, अलग अलग तरीके के पॉपअप विंडो मैसेजेस, अलग अलग विंडोज ओपन होती हैं, तो उसको जो है ये ट्रैक करके ब्लॉक कर देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपके डेटा को पूरी तरीके से, और कोई भी ट्रेसेस को नहीं छोड़ते हैं। आप जब भी चाहें ये सभी को जो है क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों चलिए हम चलते हैं, आप यहाँ से इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप देख सकते हैं ये डग डग गो फोटो बना रहा है। आप यहाँ ऊपर जाके जो है कुछ भी इजीली सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ जाके लिखते हैं लाइव स्कोर, ये हमने लिख दिया है लाइव स्कोर। देखिए गूगल की तरह दोस्तों, इसकी जो बस एक परेशानी है वो हम ये कह सकते हैं कि गूगल की तरह इसमें हार्ड अच्छी अच्छी जो है फास्ट एल्गोरिथम्स नहीं लगी हैं, जो कि हमारे सर्च रिजल्ट को बहुत बेहतर बनाती हैं, फास्ट बनाती हैं। लेकिन क्योंकि प्राइवेसी की बात है दोस्तों, आप देख सकते हैं कोई भी आपको एड ब्रेक कहीं शो नहीं हो रहा है, और ये पूरी तरीके से जो है आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे, कोई भी डेटा आपका जो है ये लेगा नहीं। देखिए ये आपको बता रहा है, आई ब्लॉक देम, यू कैन चेक द URL बार टू सी हु इज़ ट्राइंग टू ट्रैक यू व्हेन यू विजिट अ न्यू वेबसाइट। आप URL बार जो है ऊपर आप उसमें देख सकते हैं कि आपको जो है कौन ट्रैक करना चाह रहा है, लेकिन ये आपको ट्रैक नहीं। देखिए कोई भी एड ब्रेक यहाँ दोस्तों नहीं आ रहा है। अगर आप अभी इस समय गूगल चला रहे होते या कोई और एप्लीकेशन चला रहे होते तो ऊपर नीचे पॉपअप विंडो, सब्सक्रिप्शन के विंडोज और ना जाने क्या क्या यहाँ पर आता जाता। आप जिस भी विंडो को, जिस भी उसको आप यहाँ क्लिक करेंगे ईजिली आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोई परेशानी नहीं है। ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए ये 5 ट्रैकर ब्लॉक्ड, 5 ऐसे यहाँ पर एप्लीकेशंस ओपन होने वाले थे जिन्हें ब्लॉक किया गया है। ये पूरी तरीके से इनक्रिप्टेड कनेक्शन रखता है, आपकी प्राइवेसी को सेव करके रखता है। अब आप करना क्या है, जब आप यहाँ से लौट कर जाते हैं, लौट कर जाने के बाद देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर आप देखेंगे सर्च बार में आपको कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप फिर से लिख सकते हैं वही चीज़ को, ये हमने लिखा है, ये देखिए फिर से ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद आप जो भी देखेंगे ऊपर, जितने भी ब्लॉकर्स जिन जिन वेबसाइट्स के ऊपर ब्लॉक किए जाते हैं, देखिए जैसे ये ऊपर लिख रहा है HTTPS के पास B+, यहाँ आएंगे आप देख सकते हैं 10 ट्रैकर्स को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है इसके द्वारा। और इसकी सबसे अच्छी खास बात क्या है, जब आप यहाँ आते हैं आपको यहाँ दिख रहा होगा लाइव स्कोर के आगे एक फायर का सिंबल बना हुआ है। इस पर दोस्तों क्लिक करते ही ये लिखा आएगा क्लियर ऑल टैब्स एंड डेटा। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ये देखिए सारे टैब और डेटा जो है क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पर जो है यहाँ एक भी चीज़ आपको देखने के लिए ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसको स्टोर किया गया हो और जिसको आगे किसी भी कमर्शियल चीज़ के लिए यूज़ किया गया हो। अगर आप इसको
जो है ब्राउज़र पर यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा। अगर आप इसको गूगल से ही देखना चाहते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे www.duckduckgo.com, ये आप देख सकते हैं। आप सेटिंग्स में जाकर इसके जो है इसको जो है डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र भी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये यहाँ आ गया है। अब यह आप करना क्या चाहते हैं, नीचे एप्लीकेशन का लिखा आ रहा है, एप्लीकेशन हमने बना रखी है। क्लियर योर कुकीज़ ओपन, ये आपकी कुकीज़ को भी जो है बिल्कुल सेव नहीं करता है। अब आप यहाँ पर जाके जो है जो एप्लीकेशन में कर रहे थे वो यहाँ भी कर सकते हैं। ये भी पूरी तरीके से जो है एड लेस रहेगा, यहाँ पे कोई भी एड ब्रेक नहीं आएगा, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी और आप इजीली जो है इसको सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी शानदार एप्लीकेशन है ये, देख सकते हैं आप इसको यूज़ करें। इसका फ़ायदा क्या है कि प्राइवेट, जैसे हम कह सकते हैं, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके थर्ड पार्टी ऐप की तरह काम करते हैं, बीच में आकर जो है ऐसा कुछ भी आपको अननोन चीज़ दिखाते हैं जो आप देखना नहीं चाहते हैं। आप एड फ्री काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके डेटा को, जैसा कि गूगल कहता है कि वो 18 महीनों तक रखता है और इसके बाद वो जो है स्वतः ही उसको ख़त्म कर देता है, डकडकगो जो है आपकी प्राइवेट जितनी भी आपकी सर्चिंग है जो भी है उसको अगर यूज़ करेगा तो सिर्फ आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए, वह इसका कोई भी कमर्शियल यूज़ नहीं करता है, ऐसा डकडकगो का कहना है। और ये आप उसकी वेबसाइट पर जाके पता भी कर सकते हैं। और मुझे तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट लगी। आप इसका जो है कैसा भी यूज़ करें, आपको जो है ये वेबसाइट और ये सर्च इंजन जो है बहुत ज़्यादा काम आने वाला है अगर आप कोई ऐसा सर्चिंग करते हैं तो। अब दूसरी बात, मान लीजिए दोस्तों आप कभी ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं या आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं, आप कहीं पर टिकट सर्च करते हैं, आप जब कंपेयर करते हैं रेट्स को, प्राइसेस को, तो हर गूगल सर्च इंजन पर या कहीं भी आप चले जाएं तो वहाँ अलग अलग दिखाया जाता है आपके जो भी डेटा सर्चिंग है उसके अनुसार। लेकिन जब भी आप एज ए यूनिक यूज़र डकडकगो पर या ऐसे ब्राउज़र इंजन को पर सर्च करेंगे जहाँ पर आपकी हिस्ट्री को आगे सेव नहीं किया जाता है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस को सेव नहीं किया जाता है, तो वहाँ पर हमेशा आपको ओरिजिनल प्राइसेस और ओरिजिनल चीज़ें ही जो हैं दोस्तों हमेशा के लिए देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, आप जो भी सर्च करें, आप यहाँ ये जो फायर सिंबल है यहाँ आने के बाद हमेशा क्लियर टैप्स एंड डेटा कर सकते हैं। ये देखिए आपका डेटा क्लियर हो गया है, अभी यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ जाके आप इसकी सेटिंग्स देख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो बंद हैं। सेटिंग्स में आने के बाद आप इसकी थीम चेंज कर सकते हैं, ऑटो कम्प्लीट सजेशन बना सकते हैं, आप इसकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ को पढ़ सकते हैं, आप डकडकगो के बारे में और डकडकगो के वर्जन्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि डकडकगो का यूज़ करना आप सीखें, क्योंकि जिस तरीके से व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसीज आ रही हैं, यूट्यूब हुआ, गूगल हुआ, इन सब की पॉलिसीज़ को जो है हमें मानना इसलिए पड़ता है क्योंकि हम इन पर बहुत ज़्यादा आज की डेट में डिपेंडेंट हैं। तो डकडकगो जैसे सर्च इंजन का यूज़ कीजिए, काफ़ी बेहतर ये आपको एक्सपीरियंस देगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया है, आपको ये सर्च इंजन पसंद आया है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।